तुमसे मोहब्बत करती हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? अब तो मुझे बैंडेज बांध देना तो प्लीज। मुझसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे मोहब्बत करती हूँ। अरमानी, फाइज का हाथ काट गया, प्लीज इसके साथ बैठा, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। अरमानी, आप इसे नर्सिंग होम नहीं जाएं। आप नहीं चलेंगे? हाँ, मैं भी चलती हूँ, चेंज करके आती हूँ। दोबारा बैंडेज करना होगी, मैं पापा से मिलूं। अभी यही होंगे। शनैर, आपको तो वापस जाना होगा ना? हाँ। नहीं नहीं, अभी तो हमने बहुत सारी बातें करनी है, तुम कहीं नहीं जा रही। फाइज, बातें कल करेंगे, मुझे जाना है, तुम पापा के साथ आ जाओ। नहीं नहीं, हम बातें आज ही करेंगे ना, मुझे कल का भरोसा है ना मुझे तुम्हारा भरोसा है। शनैर, मुझे एक जरूरी काम से वापस जाना है, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूंगा आधे घंटे के बाद। ओके। फाइज, तुम मेरे साथ आओ। फाइज, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पट्टी करवाता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। चलो चलो शाबाश, मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो ना। ऐसे तो होगा बेटा, ऐसे तो होगा। देखो, जब इंसान कुदरती तौर पर ग्रो करता है तो उसके दिमाग में और उसके जिस्म में बड़ी मुताबिकत होती है, यानी वो दोनों इकट्ठे साथ साथ बढ़ते हैं। लेकिन जब हम दवाओं से किसी ऑर्गन की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ा देते हैं तो उसके नतीजे में एक झटका लगता है, खासकर दिमाग पर। तो क्योंकि दिमाग सेंट्रल पावर है और इस पावर में अगर अचानक इजाफा कर दिया जाए तो सारा बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है। यानी कभी रोशनी एकदम से कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक रेगुलेटर लगाना पड़ता है, और वही लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तू घबरा क्यों रही बेटा? तुम्हें तो होश होना चाहिए। तुमने नोट किया कि उसका दिमाग हैरत अंगेज तौर पर कितना तेजी से काम कर रहा है। नहीं पापा, पापा आज उसने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रही थी। I'm sorry, पापा, मैं इतनी तवज्जो दे नहीं सकती। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, देखो परेशान। मैं बहुत परेशान हूं पापा, यू जस्ट डोंट रियलाइज
एडवाइस बहुत डिमांडिंग हो गया है, जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं। मैं जानता हूं मैं। देखो शनैल बेटा, इस सिलसिले में मैंने तुम्हें बहुत पहले वार्न कर दिया था कि ऐसा होगा, इस किस्म के केसेस में ऐसा होता है। There is nothing to worry about. We'll handle it. We'll take care of it. मैं वो फाइज की माँ से भी बात करूंगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? Give me a smile. जाओ घर जाओ, आराम करो। मैं उसको कुछ फिक्र करूँ। यार मुझे एक जरूरी काम से जाना है, वरना मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। तो मैं कौन सा फारिग बैठा? मुझे भी बहुत सारे काम हैं। अंकल फवाद के पास 50 गाड़ियां हैं, वो किस काम आएंगी? तुम फोन करो, वो गाड़ी भेज देंगे। मैं फोन कर दूंगा और वो गाड़ी भी भेज देंगे, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इन्हें घर तक पहुंचा दो। ये बात तुम्हें शनैल ने कही है क्या? कहा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान है। थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश थी वो। तुमको बताया था उन्होंने कि वो बहुत खुश हैं? बाआवाज़े बुलंद अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही थी वो फाइज से। और किसे कहते हैं खुशी? वो जुमला मैंने भी सुना था, लेकिन इसके बाद मैंने उनका चेहरा भी देखा। तुमने तो सिर्फ जुमला सुना और चले गए नाराज होकर। तो क्या करता मैं? मुबारकबाद देता उसे? पागल हो तुम। कभी कभी हम जो सुनते हैं उन लफ्जों के वो मायने नहीं होते जो हम समझ रहे होते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। सुना है पर समझा नहीं है। क्या मतलब है इसका? सुन ही लिया था तो इनसे मतलब भी पूछ लेते। मुझे क्या जरूरत है किसी के मसले में टांग अड़ाने की? ये किसी और का मामला नहीं है, ये तुम्हारा मामला है, तुम मानो या ना मानो। मेरा कोई मामला नहीं है। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें घर तक छोड़ दूंगा। रास्ते में ये बात भी कर लेना उनसे। कौन सी बात? वही बात जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन इसे अपने जबान तक लाते हुए तुम डरते हो। पागल हो गए हो तुम। इसमें क्या पागलपन? अगर वो पसंद है तो कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो वो कहाँ रहती हैं? इंग्लिस्तान में। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई ना तो इनकलाब इंग्लिस्तान आ जाएगा। अजीब बुजदिल आदमी हो, कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? कौन सी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत? ओ भाई अब सब कहानियां हैं, ये सब बातें अब आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। अब कोई शहजादी किसी लकड़हारे से मोहब्बत नहीं करती, या कोई भी शहजादा किसी धोबी या माली की लड़की पर फिदा नहीं होता। अगर दिल की बात दिल में छुपा के रखोगे ना उम्र भर पछताओगे। यही सोचते रहोगे कि अगर मैं उसे बता देता तो शायद वो हाँ कह देती, और अगर ना भी कहती तो इसे पता चल जाता ना। जिसे पता चलना होता है ना पता चल जाता है, और जो नहीं समझता इसका मतलब है वो समझना ही नहीं चाहता। हो सकता है वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। लोग लफ्ज सुनना चाहते हैं, लोग बहुत कम वो कह पाते हैं जो वो महसूस करते हैं, और दूसरों को क्या पता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, मैं भी आज कोशिश करूंगा कि मिस जासमीन की तरह खुदकुशी कर लूं। ठीक है, मैं एक घंटे बाद ले जाऊंगा उसे। तो फारिस, अरे बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मैं इतनी देर कहाँ थे? ये हाथ को क्या हुआ है? कैसे कट गया? क्या चोट लग गई थी? अम्मी ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। इसीलिए बेटा मैं डरती हूँ जब तुम बाहर जाते हो। इसमें डरने की क्या बात है, मैं कहीं खो जाता? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आप लोग मुझे बच्चा ही समझते हैं अभी तक। I'm sorry, Ami. I'm sorry. बेटा,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये आप सबको मेरी तबीयत की क्यों फिक्र पड़ी रहती है? सब ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? जूस पिलाने। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपके गुस्से की इंतहा क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपको किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो आप क्या करती हैं? उसको जान से मार देती हैं? आप कभी भी सीरियस नहीं होते। वही तो होना चाहता हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो। इसमें क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है ना, आप नहीं जानते। प्लीज आप ये बताएं ना, आपको कितना गुस्सा आता है? बहुत कम। लेकिन मेरे गुस्से का क्या करना है आपको? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसा इंसान लगता हूं? इंसान लगता भी हूं कि नहीं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे क्या हो गया आपको? आपने मुझे एकदम ही इंसान कह दिया, अच्छा इंसान। हाँ, मैं तो मरी जाता, लेकिन खैर ये भी बुरा नहीं होता, क्योंकि मेरे कानों ने जो आखिरी बात सुनी थी वो यही थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। आपको शुबा क्यों है? मुझे कोई शुबा नहीं है, लोगों को बहुत शुबा है। आप यहां बहुत खुश थी? हाँ, मैं बहुत खुश थी। इसका अंदाजा आपकी आंखों नसी से हो रहा है, जैसे बारिश के बाद पूरी फिजा निखर जाती है। आपकी आंखों में भी वही कैफियत है कि आपने हमें मिस किया या नहीं। अजीब बात है, मैं सारी उम्र लोगों को मिस ही करती रही हूँ। क्यों करूंगी मैं आपको मिस? क्योंकि हमने भी आपको मिस किया था। शायद आइंदा मिस ना करें। मैंने अपनी जिंदगी के साथ बहुत बुरा किया, बहुत गड़बड़ की है, ना कुछ बना ना कुछ किया, सारी जिंदगी हंसता खेलता रहा बस। जिस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए वो बहुत अच्छा होता है। बस बस, प्लीज प्लीज और तारीफें ना करें, प्लीज। तो बुराई करो अरसल। नहीं नहीं, बुराई भी नहीं करें। फिर क्या करो? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मिशनेल, आपको फाइज वाकई बहुत पसंद है? आई एम सो सॉरी। प्लीज तौबा मेरी, मैंने क्या पूछ लिया? आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। किस बात के लिए? यही जो मैंने सवाल किया आपसे। आई एम सो सॉरी, मेरा ये हक नहीं बनता था कि मैं आपसे ये सवाल करूं। प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। इस सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे? मैं फाइज से मोहब्बत नहीं करती, उसकी केयर करती हूँ। उस वक्त से जब मैंने पहली बार उसे देखा था, वो बहुत दुखी था, अकेला था। बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ, खुदत की तरफ से। अब वो ठीक हो गया, बदल गया। पहले मैं उसे बचाना चाहती थी, अब बचना चाहती हूँ। मैं बेहोश हो रहा हूँ।
I'm sorry, मुझे माफ कर दें। मैं इस दुनिया का सबसे खुदगर्ज आदमी हूँ, लेकिन मैं खुशी से बेहोश हो रहा हूँ। आपने जीने का बहुत अच्छा सलीका है। हर चीज को मजाक में डाल देते हैं आप। देखिए, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपका इंतजार किया है। मेरा इंतजार? जी, आपका इंतजार। कब? आपके आने से भी पहले। भला आप मुझे क्या जानते थे? मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन इंतजार तो था ना। क्यों? अब इस क्यों का मतलब तो आप खुद जाने ना। सारी बातें तो बताने वाली नहीं होती। मिस शनेल, मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं जिस दिन किसी काबिल हो जाऊंगा, मैं आपसे एक बात कहूंगा। और अगर मैं किसी काबिल नहीं हुआ तो मैं सारी जिंदगी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आप खफा तो नहीं हुई ना? आपने ऐसी कोई बात कही नहीं तो मैं खफा क्यों होंगी? जी, इसका क्या मतलब हुआ? चले, देर हो गई। शनेल से ज्यादा ही अटैच होता जा रहा है वो। आपको ये बात ठीक नहीं लग रही? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी उसका इलाज हो रहा है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हेलो। हाँ उस्मान, बोलो। Oh my God! I see. Okay. Yes. Take. Take. Okay. खैरियत तो है ना? वो जैस्मीन हॉस्पिटल से चली गई हैं। उनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गई हैं। किसी जानने वाले के पास है ना, घर गई हैं, मालूम नहीं है कहाँ हैं। चलो। हाँ, चले जाएंगे। जल्दी क्या है, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। जब दिल में आएगा चले जाएंगे वापस। वैसे मैंने उनको कह दिया था कि आज हमें कुछ देर लगेगी। लेकिन मैंने पापा को नहीं कहा था ना फवाद अंकल को। पापा को मोबाइल पे फोन कर दो। फाइज, हम दोपहर से घूम रहे हैं, खाना खाए और देखो रात होने वाली है। थोड़ी देर में सूरज गुरूप हो जाएगा। मैं सूरज गुरूप होने से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ओह फाइज, कितने तोहफे दोगे? मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें तोहफे में दे दी। ऐसी बातें मत करो। ठीक है, बात नहीं करता हूं। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ। अब तुम बच्चों की तरह कहोगे कि आंखें बंद करो, फिर हथेली पर चौकट रख दोगे। ये खेल बहुत खेल लिया, अब बस करो। देखो सूरज गुरूब हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
आंखें बंद करो, एक मिनट के लिए आंखें बंद करो, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, आंखें बंद बंद रखना। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी अंगूठी फेंक दी। अंगूठी फेंक दी? मैंने फेंकी नहीं, गिर गई है। इस तरह बगैर पूछे किसी को अंगूठी नहीं पहनाना चाहिए। क्यों नहीं पहनाना चाहिए? क्यों नहीं पहनाना चाहिए? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सुना तुम्हें? मोहब्बत। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आया था। खुदा के लिए फायज ऐसी बातें मत करो, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी मुझे वो अंगूठी नहीं पहनना, नहीं पहनना। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत ही नहीं? लेकिन उस दिन तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, कहा था तुमने, मुझे याद है। से मोहब्बत है जो बच्चों की तरह मुझसे खेलता था, वो फाइज अंगूठी ने पहना था, ना मैं पहनूंगी। मेरी भी एक मर्जी है फाइज, मेरी भी कोई पसंद है, तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते मुझे। तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं? तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुमने ऐसा क्यों किया? होश में आओ भाई, होश में आओ। नहीं आऊंगा मैं होश में, नहीं आऊंगा। तुमने मुझे पागल कर दिया, पागल कर दिया तुमने मुझे। मैं चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सबको बताऊंगा, मैं अल्लाह मियां को भी बताऊंगा। अल्लाह मियां, ये मुझसे प्यार करती है, झूठ बोल, ये मुझसे प्यार करती है, ये मुझसे प्यार करती है, झूठ बोलती है, मुझसे झूठ बोलती है। कुछ नहीं हुआ उन्हें,
जरूरत से ज्यादा असर ले लिया है उन्होंने। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। It's all my fault, uncle, my papa. अच्छा तो मेरे साथ चलो, 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 चलो। नायब आपको तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक और बेटा चला गया है। पर वो जिंदा तो है ना? प्लीज बताइए, जिंदा है ना? जिंदा तो है, लेकिन मुझे बहुत बहुत पीछे चला गया। अरसल मैंने ख्याल रखना इनका। डॉक्टर यूसुफ बेहोश है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैंने मजबूर किया था। ओ पापा, इतनी बड़ी सजाएं मत दीजिए मुझे। ठीक हो जाइए। कैसा है वो? पापा, आप एक डॉक्टर हैं, जितना कर सकते थे आपने किया है। फाइज वैसे ही है, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। उसे संभालने की कोशिश की थी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे आप? डॉक्टर खुदा तो नहीं होते,
बचाने वाला तो खुदा ही होता है ना। आप ये कहते हैं मैं हार गया, नहीं नहीं आप नहीं हारे। कौन कहता है कि आप हारे? आपकी जीत का सबूत तो सबने देखा था, सबने देखा था पापा। बेटा या अंधेरा क्यों है पापा? अंधेरा तो नहीं है, सुबह हो गई है, रोशनी फैल रही है। आप ठीक तो है ना? या डॉक्टर को बुलाओ। किसी को फी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम होना मेरे पास, बस बेटा मेरे लिए यही काफी है। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। शायद आज जिंदगी खत्म हो रही है। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए आप, प्लीज नहीं। देखो किस्मत में जो लिखा था ना, वो मैंने पूरा कर दिया। बहुत दिन अकेले झेलिया, बहुत दिन अकेले झेलिया बेटा। मैं अब उस दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बैठो, और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रह जाएंगी, जैसे मेरी सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें, सारी मोहब्बतें, सारे गम, ये सब मेरे साथ साथ यहां तक आकर रुक जाएंगे। इसके बाद आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं, अकेला नहीं हूं। वो देखो, तुम्हारी मम्मी आ रही, तुम्हारी मम्मी आ गई। नहीं, जाने दे बेटा, जाने दे। वो देखो बुला रही है मुझे। नहीं, मैं जो अकेले रह जाऊंगी, क्या आपको मेरा कोई नहीं आऊंगी? नहीं बेटा, तो बिल्कुल अकेली नहीं रहूंगी। तो क्यों रहूंगी? तुम्हारे साथ वो
तुम्हारे साथ कोई होगा तो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा, बहुत खुश रखेगा। शनैल माय डार्लिंग माय चाइल्ड प्लीज जाने दो। नहीं नहीं जाने दो। नहीं पापा शायद मम्मी को या लमिया को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। जाइए। अल्लाह हाफिज पापा। Thank you for being my father. Thank you for being my बातें अब आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। अब कोई शहजादी किसी लकड़हारे से मोहब्बत नहीं करती।
Oh,